अनादरा में जगह जगह जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीकेज, व्यर्थ बहता पानी, लोग परेशान। रेवदर कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के समाजसेवी अर्जुन सिंह बारड़ समेत कई लोगों ने बताया कि अनादरा में करीबन आधा दर्जन से अधिक जगहों पर जलदाय विभाग द्वारा बिछाई पानी पाइपलाइन सप्लाई की पाइपलाइन में लीकेज होने से सारा पानी व्यर्थ बह जाता है। नतीजन कई लोगों के घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और जिनके घरों में पानी आता है वो भी कम मात्रा में। गांव के बस स्टेशन पर पाइपलाइन लीकेज होने से सवेरे सवेरे वहां काफी पानी का भराव होता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह गांव के कई मुख्य मार्गों पर भी ऐसा ही हाल है। अंबेडकर छात्रावास के पास तो पाइपलाइन लीकेज होने से काफी पानी व्यर्थ बह रहा है। लोगों ने जलदाय विभाग की कई बार अवगत कराया लेकिन समस्या हल नहीं हो पा रही है। गांव के जनप्रतिनिधि भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनादरा बड़ा गांव है लेकिन जलदाय विभाग द्वारा मात्र एक अस्थाई युवक काम पर लगाए हुआ है, इस कारण यह समस्या आ रही है। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की।